आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कटहल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कटहल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कटहल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध
का पता चलता है। एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब मालिक की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है। हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है, लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब मालिक की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है। हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है, लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया।
उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती। फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती। फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं
को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल
जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले है जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला,
नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है। हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है, लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई।
महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे।
आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कटहल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले है जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कटहल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कटहल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध
का पता चलता है। एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब मालिक की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउत, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब मालिक की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया।
उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती। फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती। फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं
को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल
जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला,
नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोश एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जाँच भी नहीं हुई।
महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले है जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे।
आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कटहल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कटहल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कटहल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म की बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध
का पता चलता है। एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है। हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है, लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है। हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है, लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया।
उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले है जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं
को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल
जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला,
नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल और जैक फ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की जरूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जाँच भी नहीं हुई।
महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंतवी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोष एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहां हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे।
आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है, जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति, लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको काठल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कथल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है, जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है, जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक सौदे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गई है। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध
का पता चलता है। एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविकता कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती, फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे। आज मैं आपको कटहल मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे कटहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक व्यंग और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य यह फिल्म शोभा कपूर, एकता कपूर तथा गुनीत गोंगा और अजिन जैन द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर और सख्य एंटरटेनमेंट द्वारा दी गई है। इसमें फिल्म में सोनिया मल्होत्रा, अनंत वी जोशी, विजय राउल, राजपाल यादव, विजेंद्र काला, नेहा सराफ और रघुवीर जैसे प्रमुख अभिनेता हैं। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए जारी की गई थी। कथल महिमा बसोर नाम की एक युवा पुलिस अधिकारी के बारे में है जो फिल्म के बारे में बता रही है। अपराध से लड़ने के लिए वह समर्पित है, हालांकि वह एक भ्रष्ट पुलिस बल में फंस गई है जहां अपराध लगभग सामान्य है। उसके आकाओं को अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा स्थायी विधायकों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आएगी। एक दिन महिमा को नया मामला सौंपा गया, दो हाइब्रिड कटहल की चोरी। राजनीतिक शोरे के लिए कटहल की ज़रूरत है और विधायक इस बात से नाराज है कि वे गायब हो गए हैं। महिमा मामले की बेतुकापन से चकित हो जाती है, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए फिर भी संकल्पित है। जैसे ही महिमा जांच करती है तो उसे एक बड़े अपराध का पता चलता है, एक युवा लड़की का अपहरण। लड़की एक गरीब माली की बेटी है और विधायक के गुर्गों द्वारा उसका अपहरण कर लिया। महिमा को लड़की को ढूंढने और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए समय के लिए खिलाफ दौड़ लगानी पड़ती। महिमा का प्रेमी सौरभ भी एक कांस्टेबल है जो निचली जाति के होने के कारण उसके मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। महिमा हाई प्रोफाइल कटहल चोरी के अवसर का उपयोग लापता लड़की की जांच करने के लिए कर लेती है। उसे पता चलता है कि लापता व्यक्तियों में कई मामले हैं जिसकी कभी जांच भी नहीं हुई। महिमा अपनी बुद्धि का उपयोग करके लापता लड़की का पता लगाने के लिए स्थायी मीडिया कर्मी और उसकी टीम को भी शामिल करती है। उसकी खोज हास्य संबंधी त्रुटियों की एक श्रृंखला की खोज की ओर ले जाती है और चरम कोर्स एक प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है जहाँ हथियारों से लैस सब्जियों और फलों की बारिश महिमा और उसकी टीम पर कहर बरपाती है, लेकिन अंत में महिमा शीर्ष पर आ जाती है। हर्षवर्धन मिश्रा की फिल्म हास्य बोलचाल जैसी कई परिस्थितियों को साथ जाति लिंग और छोटे भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटा रही है। कथल कहानी हल्की फुल्की है और कभी भी भारी या कठोर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रासंगिक बात बताई गई है, हमारे वास्तविक पुलिस बल को वास्तविक तक कैसे जीवन तैनात किया जा रहा है। लेकिन प्रामाणिक और स्थानीय स्वाद से यह फिल्म भरपूर है। सानिया मल्होत्रा ने महिमा के रूप में फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया।
उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और बाकी कलाकारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। राजपाल यादव उस भूमिका को विशेष रूप से अच्छे है, जो कि मजाकिया और गंभीर दोनों ही हिस्सों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। सानिया मल्होत्रा एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी परफेक्ट लगी, जो मधुर स्वभाव की है, लेकिन फिल्म में वह थोड़ी चिड़चिड़ापन भी नज़र करती है। फिल्म हल्की फुल्की है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं देती। फिर भी वह सभी किरदार अपने प्रदर्शन को अच्छे निभाएंगे।